आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। दोस्तों, जैसे कि फेस्टिवल सीज़न अभी शुरू होने वाला है और कई जो साइट्स हैं उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफर्स, बड़ी बड़ी सेल निकाल रखी है और इस तरह से आपको लुभावने प्रलोभन और लुभावने ऐड दिखाए जा रहे हैं। जगह जगह आपको ऑफर्स के लालच दिए जा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको कुछ चीज़ खरीदना है भी कि नहीं, खरीदें भी कि नहीं, और क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो आज हम इसी बारे में थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये एक चर्चा वाला वीडियो है, तो आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना है और जो भी आपके राय है, कमेंट है, ओपिनियन है, सब यहाँ पर नीचे लिख दीजिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें, और दूसरों को भी बताइए। तो हम इस चर्चा को अब शुरू करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरा हाथ थामे रखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, ये एक तरह से चर्चा है जिसमें मैं आपका ध्यान ज़रूर चाहूँगा और ये ज़रूर चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे रिलेटेड बातें, आपसे आपके फ़ायदे की ही बातें यहाँ पर इस वीडियो में, इस चैनल पर होती रहती है और इसी तरह की वीडियो आपके लिए आते ही रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो बेल आइकन आती है, ताकि जो भी नए वीडियो बनते हैं आपके फ़ायदे के वो आपको मिल जाएं और उसके फ़ायदा आप उठा सकें और हमारा रिलेशन भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो दोस्तों, चर्चा को शुरू करता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आजकल जो सीज़न शुरू हो रहा है और हर साल ये होता है, तो आप खरीदें कि नहीं खरीदें। कई बार होता है कि कई चीज़ें ऐसी आपके सामने आ जाती है कि आपको लालच आता है। कई बार तो मुझे भी अभी इन दौरान मुझे अपने मन को बहुत समझाना पड़ा है और दबा दबा के रखना पड़ा है कि नहीं, ये चीज़ अपने लिए नहीं है, ये चीज़ अपने लिए नहीं है, ये चीज़ अपने लिए नहीं है। जो अपने लिए है वो मैंने तैयार कर दी है और वही चीज़ मैं लूँगा। तो इस तरह से मैंने अपने आप को अभी तक रोक रखा है। तो हो सकता है कि कई लोगों ने इस तरह से तैयारी नहीं की हो और उन्होंने बेवजह की चीज़ खरीद ली, बाद में पछता रहे कि अरे यार, कहाँ 50,000 लगा दिए, कहाँ 20,000 लगा दिए। तो इस तरह से आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आप जो चीज़ लेंगे वो सालों साल चलाएंगे और जब तक चलाएंगे आपको अच्छा लगेगा, आप उसका रिग्रेट या फिर पछतावा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप पहले देखें कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास बजट होना चाहिए। EMI पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास EMI के लायक अगर आपका बजट चल रहा है तो उस हिसाब से आप EMI भी कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI भी आजकल चल रही है। तो आप अपना अगर बजट है तुरंत लेने का कैश, तो वो भी कर सकते हैं। नया फ़ोन लेना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा नए फ़ोन की मैंने स्पेसिफिकेशन इस तरह से तैयार कर रखी है और इसी टाइप का फ़ोन मैं लूँगा। अगर इस टाइप का मुझे बजट मेरे अंदर आता है तो उस बजट में ही मैं फ़ोन लेना पसंद करूँगा और यही फ़ोन लूँगा, इसलिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। मेरे लैपटॉप का भी देखिए, लैपटॉप का मैंने बना रखा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है। मोबाइल पे भी इस तरह की चीज़ें लिख के रख लीजिए, ताकि आपको बार बार वो चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको यही लेना है और दूसरा नहीं लेना है, ये आपका बजट है। इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से जो अपग्रेड करना है, जो आपके आगे फ्यूचर में काम आने वाला है, ऐसा नहीं कि बेवजह की अपडेट ही करना है, अपग्रेड कर लिया आपने आपको, अपडेट कर लिया, ये नहीं करना है। आप ये देखिए कि आप ऐसी क्या है कि जिसके बगैर, जैसे कि कुछ टाइम निकाल सकते हैं, अगला साल तक रुक सकते हैं या फिर आपके पास अच्छा बजट हो जाए तब तक रुक सकते हैं, वो देखिए। और दोस्तों, अगर आप देखें कि नहीं यार, मुझे तो आज चाहिए चीज़, इसी समय मुझे बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ मेरे कुछ ऐसा काम है जो रुक जाएंगे, जैसे कि मुझे लैपटॉप की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आफ्टर इफेक्ट में भी काम करूँ, कुछ इसमें जो VFX है उसमें भी काम करूँ, तो मैं उस लैपटॉप को अपग्रेड इस साल कर ही लूँगा। तो वो आप देखिए कि किस चीज़ की ज़रूरत आपको अभी है, आज है, और उस चीज़ को आप ख़रीद लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बजट वाली चीज़, तो बजट के आसपास ही आप लेंगे, उससे ज़्यादा तो आपको कम तो मिलेगा ही नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए, एक अंदाज बता रहा हूँ कि अगर आपका बजट 20,000 का है, तो ये समझ के चलिए कि आपको 22,000 तक आपको वो चीज़ अगर मिलती है तो वो ज़रूर ले लें। तो आपको ऐसी चीज़ लेना चाहिए जो फ्यूचर रेडी हो, जो आप कुछ सालों तक या फिर एक आध साल तो आप कम से कम निकाल ही सकें, वरना ऐसा होगा कि आपने फ़ोन लिया, उससे अच्छा फ़ोन अगले महीने आ गया तो आप बोलेंगे अरे यार, कहाँ मैंने ले लिया। तो जब आप फ़ोन बेचना चाहेंगे तो लोग बहुत ही कम भाव में उसे लेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए आप ऐसा काम ना करें। ऐसा चीज़ लें जो फ्यूचर रेडी हो और आप कुछ समय तक उसे अच्छे से यूज़ तो कर सकें। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि हर साइट पर जा जाकर आप ख़रीदारी ना करें, कार्ट से ख़रीदारी ना करें,
और क्योंकि होता क्या है कि वो कई बार ऐसी साइट्स आजकल जब फ्रॉड होता है ना तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके लिए कौन फ्रॉड खड़ा कर सकता है, क्योंकि कई ऐसी साइट्स रहती है जो जिनके फर्जी नाम से लोग बनाकर फर्जी लिंक भेज भेज कर वहाँ पर बुला लेते हैं और ऐसे ऐसे ऑफर देने की बात करते हैं और फिर आपकी जो डाटा है, जो आपके इंफॉर्मेशन है, चुरा कर आपको नुकसान पहुँचा देते हैं। तो हर साइट से ना खरीदें, ट्रस्टेड साइट से खरीदें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपको लिंक भेजेंगे लोग फ्रॉड बना बना कर, तो ऐसी बेकार की लिंक आप अपने मोबाइल से ना उसमें SMS से ना ईमेल से किसी भी तरीके से कोई आपको किसी भी सोशल मीडिया से भी लिंक ऐसी भेजता है तो उसे आप हरगिज़ क्लिक ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और साथ में आपको ध्यान देने वाली बात ये कि आप अपने कभी भी कोई पासवर्ड शेयर ना करें, OTP आता है वो भी शेयर ना करें और अपने जो भी ATM की जानकारी किसी को का नंबर वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी चीज़ें किसी को ना दे। कोई आपसे कितना भी अपनापन दिखाए, कितना भी फॉर्मल दिखा, ऑफिशियल दिखाए कि नहीं हम आपका कार्ड बंद कर देंगे, आपका पूरा खाता बंद कर देंगे, तो आप साफ साफ उनसे बोल दीजिए कि आप बंद कर दो, मैं बैंक में ही बैठा हूँ और आप यहीं पर ही आके मुझसे बात कर लो। तो इस तरह से देखना वो फ़ोन कॉल कट हो जाएगा और हो सके तो उसे रिकॉर्ड कर ऑनलाइन कर लीजिए, तो इस तरह के लोगों से दूसरे लोग भी बच जाएंगे। दूसरों के दिखावे में, दूसरों के देखा देखी कभी भी कुछ चीज़ ना खरीदें। उसने ने किस स्थिति में क्या वो भी आज आपने सर अपने सर को कूट रहा है, आपने उसके घर जाके नहीं देखा ना उससे पूछा, तो ऐसी हरकतें ना करें। और दोस्तों सबसे आखिरी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी चीज़ आप जब खरीदते हैं तो उसे भली भांति सोच समझ कर खरीदें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मोबाइल लेने का तरीका, मेरे लैपटॉप लेने का तरीका, मेरे कुछ भी लेने का तरीका वो इसी तरह से, मैं काफ़ी चीज़ अपनी पहले तैयार कर लेता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, बार बार चीज़ों को तोलता रहता हूँ और अपने मन को रोकता रहता हूँ कि नहीं यार ये गलत है ये सही है, तो इस तरह से मैं उस चीज़ के लिए इंतज़ार करता हूँ। बहुत सोच समझ कर ही आप चीज़ों को ख़रीदें और ऐसी चीज़ ख़रीदें कि जो काफ़ी आपके थोड़े टाइम तक उसे चला सकें, फ्यूचर रेडी, जैसा कि मैंने बताया। चीज़ों को संभाल कर रखें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे फ़ोन गिरते रहते हैं लेकिन अभी भी सलामत है, तो आप लकी हैं दोस्त, लेकिन मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को संभालें, बेवजह की उछल कूद फ़ोन के साथ ना करें। फ़ोन को जितना सिक्योर रख सकते हैं, फ़ोन हो कुछ भी चीज़ों, मैं सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी गैजेट हो, कुछ भी चीज़ें हो, उसे संभाल कर यूज़ करें। और जहाँ तक हो सके दोस्तों, प्लीज़ इस बात पर गौर कीजिए, जहाँ तक हो सके उसे लंबे समय तक यूज़ करने की एक आदत डाल लीजिए, कोई सा भी चीज़ हो। क्योंकि दोस्तों आपको शायद ये पता है ही नहीं, कि मुझे आइडिया नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा इतना फैल चुका है। और यहाँ पर क्या है कि भारत में एक जैसे डंपिंग टाइप भी लोगों ने कई बार बना रखा है कि हर तरह के फ़ोन, अजीब अजीब से फ़ोन आ रहे हैं, आप किसी भी फ़ोन लेकर उसे यूज़ करते हैं, जब उसे फेंकते हैं तो वो कहाँ जाता है, कोई यूज़ नहीं होता, तो वो ई कचरे के रूप में हमारी जो कार्बन प्रिंट है, कार्बन प्रिंट मतलब हमारी जो की गई, जो हमारी गलतियाँ हैं नेचर से रिलेटेड, वो हमारी आगे कम से कम हो, ये हमें कोशिश करना है। और नेचर को जितना हम बचा के चल सकें दोस्तों, हमको उतना बचा के चलना है। तो कुछ भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो ऐसे खरीदें कि वो आगे तक काम आए और उसे संभाल कर यूज़ करें और उसे लंबे समय तक जितना हो सके उसे यूज़ करने की कोशिश करें दोस्तों, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी खरीदते समय समझदारी अपनाएं और बाद में सर पीटने से बच जाएं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपने नए नए आइडिया, वीडियोस और व्यूज़ लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार करें, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।